तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर गाइस आप जो है, अगर आपके मोबाइल से कोई भी फोटो गलती से डिलीट हो गया है और आप जो उसे फिर से अपने मोबाइल में वापस लाना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो आप जो है कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इससे पहले चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देन गाइस, आते अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जान लेते हैं कि आप जो है सालों पुरानी डिलीट हुई फोटो, जी हाँ गाइस, अगर आप जो है ये जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, इस ट्रिक से जो अगर आपका फोटो कितना भी दिन पहले डिलीट हुआ होगा, वो सब आपके मोबाइल में फिर से रिकवर हो जाने वाला है, फिर से रिटर्न आने वाला है। तो आज की ये ट्रिक आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करिएगा। तो सो गाइस, इसके लिए चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको हर चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सो गाइस, अभी जो है हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और साइड में जो है आपको जो है मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो देन के साथ हमने वीडियो के टॉपिक पर बात करना था कि आप जो है कैसे जो है सालों पुरानी डिलीट हुई फोटो को या डिलीट हुई फोटो को जो है फिर से कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि इसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड है, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी स्कैम का खतरा नहीं है। तो सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आप जो अपना प्ले स्टोर ओपन करें, और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा डिस्क डिगर, आपको जो है ये सर्च करना होगा डिस्क डिगर। आप देख सकते हैं ये वाला आपको सर्च कर देना होगा। जैसे ये सर्च करेगा तो आपको जो है ये एप्लीकेशन आएगी। सिंपली आपको जो है ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन मात्र 3 से 4 MB की एप्लीकेशन है, 4 MB की एप्लीकेशन है, इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी जो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल यहाँ पे हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और इंस्टॉल होने के बाद आपको जो आएगी प्रोसेस बताते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो हम मात्र कुछ सेकंड और देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो देख सकते हैं। तो देन गाइस, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है हमारा ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद गाइस, आपको जो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की तरफ आपको जो एक ये वाला बटन दिखाई देगा, स्टार्ट बेसिक फोटो सर्च। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे, तो कुछ परमिशन मांगेंगे, तो सिंपली आपको अलाउ कर देना होगा। और यहाँ पर जो है हमारा जो है यहाँ पर स्कैनिंग होने लगा, सर्चिंग होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है फोटो, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारी यहाँ पे जो फोटो यहाँ पे आ रही है। धीरे धीरे जितना भी आपने फोटो यहाँ पे डाउनलोड किया होगा, जितना भी फोटो आप यहाँ अपने मोबाइल में डिलीट किए होंगे, वो सभी फोटो धीरे धीरे स्कैन होकर यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब फोटो हमने एक्चुअली में डिलीट कर दिया था, और ये फोटो जो है फिर से यहाँ पे रिकवर हो रही है, फिर से यहाँ पे वापस आ रही है। देख सकते हैं ये सब फोटो मैंने एक्चुअली में सब डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो देन गाइस, आप देख सकते हैं अभी भी जो हमारा जो है यहाँ पे स्कैनिंग चल रहा है, और अभी भी जो है ये एप्लीकेशन जो है फोटो को रिकवर कर रही है और स्कैन कर रही है। गाइस, यहाँ पे जो आप जितना भी फोटो डिलीट कर दिए हो, पहले के सालों पुरानी फोटो अगर आप डिलीट कर देंगे, वो सब यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। तो देन गाइस, आप बात कर लेते हैं कि आप जो इन सब फोटो को, जो भी आपने डिलीट किया हुआ फोटो है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इन सभी फोटो को डाउनलोड करना चाहते होंगे तो कैसे होगा। तो सो गाइस, सिंपली आपको जो उन सभी फोटो को जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, टिक मार्क ऐसे कर लेना होगा। जिसे टिक मार्क कर लीजिएगा तो आपको जो यहाँ पे नीचे एक बटन दिखाई दे रहा होगा रिकवर का, ये देख सकते हैं ये वाला जो रिकवर का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो आप जो है फाइल मैनेजर का परमिशन दे दीजिएगा, और उसके बाद जो है गाइस ये फोटो जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो कोई आप एक फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो है वो फ़ोटो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, वो यहाँ पे जो है आपके मोबाइल के गैलरी में यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देन गाइस, आप जो है इस तरह से जो सालों पुरानी डिलीट हुई फ़ोटो को जो रिकवर कर पाएंगे, और ये जो रिकवर फ़ोटो करेंगे वो थोड़ा उनका थोड़ा क्वालिटी जो है थोड़ा सा माइनर सा लो हो गया होगा। अगर आप जो है किसी भी फोटो का जो है क्वालिटी को बढ़ाना चाहते होंगे, तो उस पर मैं आपको बोलेगा तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप जो है किसी भी फोटो को जो है जिसका क्वालिटी थोड़ा कम है, उसको जो आप बढ़ा पाएंगे। तो सो गाइस, इस तरह से जो है आप जो है किसी भी डिलीट हुई फ़ोटो को जो है रिकवर कर सकते हैं, फिर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो मिलते हैं अपने इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।